वहीं सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सेक्सटॉर्शन में फंसाने की साजिश रचने वाले साइबर क्रिमिनल्स को मंगलवार को पुलिस राजस्थान के भरतपुर से भोपाल लेकर आई। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे ब्लैकमेलिंग के लिए अनजान नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते थे, खुद को लड़की बताकर बात करने का ऑफर देते थे, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग करते, कॉल रिसीव होते ही दूसरे मोबाइल पर रिकॉर्डेड पॉर्न क्लिप चलाकर अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरे के पास लगा देते थे। इससे सामने वाले को पॉर्न वीडियो दिखने लगता है। जिस मोबाइल से वीडियो कॉल करते उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू रखते, सामने वाले के रिएक्शन और यही पॉर्न वीडियो को जोड़ देते, इसका स्क्रीनशॉट भेजकर ब्लैकमेल करते थे और यही उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर के साथ किया था। आरोपियों को ये तक नहीं पता था कि जिस प्रज्ञा ठाकुर से वे सेक्सटॉर्शन मांग रहे हैं वो है कौन। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।